Hi, मैं वानी हेल्दी बिट से. टुडेज रेसिपी इज रवा याम फ्राई विच इज़ वेरी क्रिस्पी एंड फ्लेवरफुल बिकॉज इसके सारे मसालाज घर में बने हैं, होम मेड मसालाज हैं. ये देखिए, अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी. तो याम को हम सुरन या जिमीगन भी बोलते हैं. तो इम्पॉर्टेंट काम है इसका साफ करना है इसको, एंड इसको फिर अच्छे से पीसेस में कट करना. मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है. आप कोई भी ऑयल लगा के अच्छे से अपने हैंड्स पे इसको कट करें, नहीं तो बहुत इचिंग होता है क्योंकि उसमें जो जूसेस होते हैं उससे बहुत खुजली होती है, ऑक्सलेट होता है क्योंकि उसमें. तो इसको पेशेंस से कट करें, नहीं तो हाथ कटने का भी थोड़ा डर रहता है. तो इसको बड़े पीस को छोटे छोटे पीसेस में करके फिर हम इसको चॉप करेंगे. तो ये देखें, इसको छोटा और कर दिया. एंड पील उतारते हुए याद रखें कि कुछ गंदा हो तो साफ करें. ये इतने बड़े पीसेस चाहिए, मैं एक और दिखाती हूँ आपको. ये फिश फ्राई जैसा लगता है तो इसलिए ऐसे पीसेस काटने में अच्छा रहेगा, देखने में और खाने में बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये फिश फ्राई खा रहे हैं, लेकिन ये याम फ्राई होगा, रवा याम फ्राई. तो जब ये अच्छे से चॉप हो जाएगा सारा, तो मैं एक पैन में पानी रख लूँगी गर्म होने के लिए. एंड मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक डाल के मैंने याम पीसेस जो काटे हैं बड़े बड़े, वो ना ज़्यादा थिक हैं ना पतले हैं. इनको जब बॉयल आ जाएगा पानी में, ये देखें बॉयल आ गया, तो मैंने 5 मिनट्स इनको मीडियम गैस पे अच्छे से पकने दिया है. एंड बीच बीच में 5 मिनट्स के बाद चेक किया है, जब वो हो गए तो मैंने इन्हें रिमूव किया. ये सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए. अगर हार्ड रहेंगे तो ऑक्सलेट पके नहीं होते तो गले में इचीनेस होएगा आपको. ये देखें ये सॉफ्ट हो गया है. तो अब हमने मसाला बनाया है. मैंने 2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स लिया है, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स डाले हैं. ये बहुत यमी फ्लेवरफुल मसाला बनेगा. ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ याम फ्राई के साथ खाएं इस मसाले को. एंड इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मसाले का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है. तो मैंने इसमें सरसों के सीड्स डाले हैं 1/2 टेबल स्पून, मेथी दाना डाला है 1/2 टेबल स्पून, 2 क्लोव्स लिए हैं एंड 1/4 टेबल स्पून पेपरकॉर्न्स लिए हैं. सारे मसाले मैं इकट्ठे ही रोस्ट करूँगी जब तक कि उसमें से एक अरोमा ना आ जाए मसाला का. मैंने 4 रेड चिलीज लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं. तो इसको ज़्यादा ठंडा मत करें मसाले को पीसने से पहले, नॉर्मल हो. इसमें मैंने फिर 2 इंच जिंजर एंड 10-15 गार्लिक्स लिया. पहले इसको थोड़ा मोटा मोटा पीसा, फिर कर्ड डाला मैंने इसमें, 4 टेबल स्पून गाढ़ा दही लिया एंड 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस लिया. तो अब मसाला रेडी हो गया. मैंने नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और ये मसाले को हैंड्स से अच्छे से सारे पीसेस पे लगाया है, ये देखें. एंड इसको अराउंड 1 आवर टू 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करने के लिए मैंने छोड़ दिया है. तो जब तक ये मैरिनेट होता है मैंने अनियन रिंग्स बनाए. अनियंस को ऐसे गोल गोल काटने के बाद हर एक रिंग को अलग किया. ये बहुत अच्छे लगते हैं याम फ्राई के साथ, अनियन रिंग्स एंड मिंट चटनी. मिंट चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो उसके ऊपर मैंने 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च एंड थोड़ा सॉल्ट टू टेस्ट डाल के रखा. तो अब 1.5 घंटा हो गया मुझे. तो मैंने रवा लिया सूजी एक प्लेट में, ये देखें, एंड इसको अच्छे से मैंने कोट किया सारे साइड से याम को. तो सारे जब अच्छे से कोट हो गए तो मैंने एक तवा में, ये देखें, ये अच्छे से कोट करना है, नहीं तो वो क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस नहीं आएगा. और अगर आप चाहें तो रवा की जगह आप राइस फ्लोर भी ले सकते हैं फॉर क्रिस्पीनेस. तो मैंने तवे के ऊपर मस्टर्ड ऑयल लिया है. आप जो भी ऑयल पसंद करें, कोकोनट ऑयल या जिंजली ऑयल, आप उसमें ये फ्राई कर सकते हैं.
तो इनको मैंने अराउंड पूरा फ्राई होने के लिए 8 to 10 मिनट्स लगा, लो टू मीडियम गैस पे 4 to 5 मिनट्स ईच साइड अच्छे से करना है। जब 2-3 मिनट हो गया तो मैंने इसकी साइड पलट के देखा, तो एक बारी मैं उसको दूसरी साइड से और रोस्ट करूँगी, अभी इतना क्रिस्पी नहीं लग रहा वो, तो इसको आराम से अच्छे से रोस्ट करें। अगर कच्चा रह जाएगा तो फिर अगेन बहुत इचीनेस होगी। ये देखें, ये अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हमारा, ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी रवा फ्राई, देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है फिश फ्राई जैसा। तो इसके साथ आप मिंट चटनी, नींबू, अनानियन, बिल्कुल फ़िश फ्राई की तरह आप इसको इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।